पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो रही है और इस बात से इंडिया को किस चीज का डर है तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगा। पाकिस्तान के लोगों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। हर दिन पाकिस्तान के किसी न किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कैसे देश के पैसों से दूसरे कंट्रीज में अपना बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया है और वो काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों के पास बेसिक चीजें भी नहीं है। पाकिस्तान की टोटल 20% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में है और 40% पाकिस्तान के लोगों को जॉब खोजने में भी दिक्कत आ रही है। पाकिस्तान में सिविल वॉर भी हो सकती है और पाकिस्तान 2 से लेकर 6 स्टेट्स में डिवाइड हो सकता है। इन सब चीजों से अगर तुम खुश हो रहे हो तो तुम्हें बता दूं, पाकिस्तान की क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रही है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये और भी ज्यादा बढ़ेगी। अभी पाकिस्तान के पास लोन चुकाने के भी पैसे नहीं है और अगर यही सब चलता रहा तो अमेरिका जैसी कंट्री पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगी। दुनिया को इस चीज के बारे में पता चलेगा या फिर ये सारी चीज चुपचाप होगी। आपको बता दूं, पिछले कुछ महीने में पाकिस्तान में 8 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो लोग कभी सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट्स के। उन लोगों पे ना ही पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया और ना ही ये बात ज्यादा लोगों को पता चली। पिछले कुछ सालों से अमेरिका पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा दोस्त है। अमेरिका इंडिया का ये मैप फॉलो करता है और अमेरिका ने काफी बार कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। तालिबान ने जब पाकिस्तान पे हमला करा था तब अमेरिका ने पाकिस्तान को काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट भेजा था। तालिबान से लड़ने के लिए काफी सारे अमेरिकन सोल्डर अभी पाकिस्तान में हैं। करीब 53,000 अमेरिकन पाकिस्तान में हैं और इसमें से 38% लोग अमेरिकन गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली अमेरिका ऑलरेडी पाकिस्तान को संभाल रहा है। मिलिट्री में लोग इनके हैं, सामान इनका है। करीब 10,000 ऐसे लोग हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम करते थे और अभी पाकिस्तान में हैं। इंडिया और मिडल ईस्ट के बीच में ऑलरेडी अमेरिका बैठा हुआ है और अब पाकिस्तान में भी वो लोग आ गए हैं, जिसके वजह से अमेरिका को इंडिया की सिक्योरिटी, ट्रेडिंग जैसी चीजों के बारे में पता चलता रहेगा। वेल, दैट्स इट फॉर द वीडियो। ऐसे छोटे और ऑन द पॉइंट वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। प्लीज कर दो।